नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। पंजाब हरियाणा से किसानों का मार्च जारी। पूरे दिल्ली में धारा 140 लागू। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। इससे पहले हरियाणा पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया गया और सुरक्षा कड़े कर दी गई है। पूरी दिल्ली में धारा 140 लागू। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 140 लागू कर दिए। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले अमृतसर से किसान रवाना हो रहे हैं। किसानों ने अपनी उपज के लिए MSP की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया। यह उन शर्तों में से एक है जो उन्होंने 2021 में अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति व्यक्त करते समय तय की थी। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान से पहले टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया। इसके अलावा शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया। ज्ञानव्यापी व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक नहीं। अब 15 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। यूपी सरकार नहीं दाखिल कर पाई जवाब। ज्ञानव्यापी व्यासजी तहखाना मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पक्ष रखा। आज ही यूपी सरकार को जवाब दाखिल करना था, हालांकि आज सुनवाई पूरी नहीं हुई। पुरुष हो या महिलाएं, सबको ज्वाइन करनी होगी आर्मी। भारत के पड़ोसी देश का बड़ा फैसला। म्यांमार में कई संगठनों के लड़ाके संयुक्त रूप से शस्त्र विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे में म्यांमार के सैन्य शक्ति जुटाना कठिन हो गया है और संघर्ष किया जा रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले JDU BJP की बड़ी जीत। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी हो गया खेला। अशोक चौहान का कांग्रेस से इस्तीफा। फडणवीस बोले, आगे आगे देखिए होता है क्या। अबुधाबी में दो दिन बाद खुलने जा रहा पहला हिंदू मंदिर। BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी को UAE में रहेंगे। पिछले 8 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा UAE का दौरा है। इन दो देशों में भी चलेगा भारत का सिक्का। पीएम मोदी ने किया लॉन्च फ्रांस के बाद। अब भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सर्विसेज मॉरिशस और श्रीलंका में भी इस्तेमाल की जा सकती है। पीएम मोदी ने दोनों देशों में वर्चुअल तरीके से UPI लॉन्च किया है। हाल ही में फ्रांस में इसकी सेवाएं शुरू की गई थी। 10 साल में BJP ने दी 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से पीएम मोदी ने 12वें रोजगार मेले के तहत 1,00,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान दावा किया कि पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां भाजपा की सरकार ने अपने 10 सालों में दी हैं। अयोध्या जा रही हस्ता स्पेशल की सुरक्षित नहीं। गुजरात में इस ट्रेन पर पथराव हुआ। वंदे भारत ट्रेनों के बाद अब आस्था स्पेशल ट्रेन भी सुरक्षित नहीं है। सूरत से अयोध्या जा रही इस ट्रेन पर रविवार की रात अराजक तत्वों ने पथराव किया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। हालांकि इस वारदात की वजह से यात्री काफी डरे हुए हैं। राम मंदिर के बाद अबू धाबी को पहले हिंदू मंदिर की सौगात देने चले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को UAE की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपसी विवाद में पत्थर से कुचलकर शख्स ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। डूंगरपुर जिले में पति ने आपसी झगड़े के बाद शराब के नशे में अपनी पत्नी की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। दो हफ्तों में जवाब देगी ED हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पेशी से पहले झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। शादी में बारातियों को नहीं मिली गरम रोटी, जमकर काटा बवाल। हलवाई पर तानी रिवॉल्वर। शादी में किसी ना किसी बात पर कहासुनी होते हुए आपने देखा होगा, लेकिन फरुखाबाद में गरम रोटी नहीं मिलने पर शादी टूट गई और पंजाल में ही बवाल हो गया।
किसान आंदोलन को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, चिल्ला डीएनटी बॉर्डर पर सीसीटीवी से रहेगी नजर। नोएडा पुलिस के चिल्ला बॉर्डर और कालंदी कुंज बॉर्डर पर विशेष नजर रहेगी। 13 फरवरी से 16 फरवरी तक किसान दिल्ली कूच करेंगे और किसानों का दिल्ली की तरफ जाना रहेगा। ग्राम परिक्रमा से 2,00,000 गांवों को जोड़ेगी बीजेपी। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर से की शुरुआत। एक महीने तक चलने वाली इस ग्राम परिक्रमा यात्रा में भाजपा ने सरकार के विकास कार्यों की जानकारी को देश के 2,00,000 से अधिक गांवों में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पेटीएम को बचाने के लिए आगे आया छोटे कारोबारी। कंपनी ने सेवाएं जारी रखने का दिया भरोसा। पेटीएम ने दावा किया है कि उसके कई मर्चेंट पार्टनर्स मुसीबत की घड़ी में भी उसके साथ खड़े हुए हैं। कंपनी ने उनकी और कस्टमर्स की पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया। खबर हैदराबाद से है। पेट्रोल खत्म होने पर बाइक से नहीं उतरा कस्टमर, धक्का लगाते रैपिडो चालक का वीडियो वायरल। हैदराबाद में रैपिडो के कस्टमर ने 2-व्हीलर की बुकिंग की थी। बाइक टैक्सी चालक आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म होने पर उसने कस्टमर को बाइक से उतरकर पेट्रोल पंप तक पैदल चलने के लिए कहा, लेकिन कस्टमर ने बाइक से उतरने से इनकार कर दिया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जनसे सरोकार।